यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और जा रहा हूँ बाहर, सीन दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, अगर ये लड़कियों का रूम होता तो कैसे होता, वो देखें यार। अगर ये लड़कियों का रूम होता तो कैसे होता, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे से नहीं होगा यार, ये ऐसे जिस तरह पड़ा है ज़रा पड़े रहने दो, ये भी इस तरह पड़ा रहने देते। बाकी जब मैं टाइम हो फारे हो तो कर लेंगे यार। और ये रहे मेरे जूतों का हाल, अगर ये लड़कियों के जूते होते तो कैसे होते, ये तो मैं दिखाऊंगा भाई, ये मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अरे किधर गए जूते, ये रहे जूते, फैंटास्टिक। फुल रेडी शेडी हो गए हैं, नीचे जाते हैं, हीरोइन निकालते हैं, हीरोइन पे बैठ के। चलो एक चीज़ भूल गया हूँ यार, सातवें फ्लोर तक आना पड़ा फिर, और अभी मैं हूँ छठे फ्लोर, तो पहुंच गए सातवें फ्लोर पे। नीचे आ गए हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा क्या छोड़ा, लंबरगिनी, हीरो की चाबी। हीरो निकाल लेते हैं, ये रहा हीरो, अपना हीरो इधर खड़ा है। हीरो निकाल लेते हैं, जाते हैं सीधा, जाते हैं, आप लोगों को बाद में पता चलेगा किधर। चलो फ्रॉम यहाँ से एज यूजुअल, ये देखे बच्चे बच्चे मन के सच्चे। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे काम चल रहा है, ये जो जगह थी यहाँ से ये जगह खाली थी, क्योंकि हम जब रात को निकलते हैं वहाँ से फिर आते तो ये गेट बंद होता रहता था। अब यहाँ से रात को भी जाना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से वो जगह बंद किया सारा। और ये जो आंटी है अभी खाना खा रही है, ये वहाँ तक दीवार लगाएंगे, दीवार लगा के ये सारा एरिया बंद हो गया है। डिनर ब्रेक चाइना में 6:30 बजे इस वक्त टाइम हो रहा है, 6 बजे 6:30 बजे इधर ब्रेक होता है डिनर के लिए। स्टूडेंट सारे निकलते हैं, तो आप लोगों को दिखाते स्टूडेंट्स कितने होते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज में। ये स्टूडेंट्स निकल गए हैं और अभी ये जाएंगे कैंटीन खाना खाने। खाना खाने के बाद इन लोगों की फिर क्लास होगी, क्योंकि इन लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जितना स्ट्रिक्ट है वो आप लोगों की सोच है। तो इन लोगों की वो क्या बोलते हैं, सही तरह से मतलब होती है एजुकेशन। गलत मत समझना भाई, गलत मत समझना, ठीक है। मेन बात यह है कि ये लोग सड़क के बीच में चलते हैं, जब क्लास से निकलते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये फुटपाथ पे जाते हैं, फुटपाथ पे कभी कभी जगह नहीं मिलती। ये जो सारी आवाम है ना, ये जाएंगे उधर कैंटीन में, ये कैंटीन है, इधर जाके ये खाना खाएंगे, फिर बाद में जाएंगे। ओ यार ये देखो, ये यहाँ दुकानों से निकलते हैं। अपना हीरो इधर पार किया है, अंदर जाता हूँ एक जगह ग्राउंड में, ग्राउंड में जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाइनीज़ चाइना स्टूडेंट्स लाइफ यूनिवर्सिटी लेवल। तो मैं आप लोगों से यूनिवर्सिटी लेवल डिस्कस करूँगा कि चाइना में यूनिवर्सिटी लेवल कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेकिन मेन चीज़ ये लोग सक्सेसफुल है भाई। चलो जी, इस बहाने में भी थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ, समझ रहे हो ना। नहीं नहीं गलत नहीं समझना यार, मैं वैसे रनिंग करने आया था सच में, ग्राउंड में मैं इसीलिए आया था कि रनिंग हो जाए और आप लोगों से डिस्कस करूं एक चीज़, वो एंड में भाई, अभी नहीं, अभी नहीं। दोनों आ रहा है तो ये बहन और भाई हो सकते हैं, ये दोनों बहन भाई होंगे यार। नहीं नहीं यार, मैं बिल्कुल ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा हूं, जो लोग आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ऑनेस्टली गलत मत समझना, ठीक है। वैसे मैं निकलता हूँ, आप लोगों को पता भी है, मैं निकलता हूँ शाम को और रनिंग करने, तो उधर चले। नहीं नहीं यार छोड़ो बस, ठीक हो। तो मैं आप लोगों को चलते चलते ना ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, यहाँ का यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सक्सेसफुल है भाई, ये ग्रेजुएट नहीं होते और लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में जाके जॉब पे लग जाते हैं। इसकी वजह क्या है पता है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ जो एक चीज़ है ना जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो है सक्सेस। और इन लोगों का जो सक्सेस होता है वो टाइम नहीं लेता, क्योंकि जो माहौल प्रोवाइड होता है इधर, हमारी तो मुस्लिम कंट्रीज़ है या हमारे ट्रेडिशनल कंट्रीज़ है, जहाँ पे हम ख्याल करते हैं, हमारी सेंस होती है, हमारी मज़हब होता है जो हमको रोकते हैं। लेकिन इन लोगों का जो है सीन अलग है, ये लोग सक्सेसफुल है। चाइनीज़ जो एजुकेशन सिस्टम है वो लेवल है इसका, वो वर्ल्ड क्लास, चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। तो अगर आप लोग चाइना में स्टडी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आ जाए, माहौल अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, स्टडी अच्छी होती है, ग्रेजुएशन अच्छा होता है। ये बात अलग है कि अगर आप इधर आ जाते हैं और आप अपना कोई और काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए एक और चीज़ है, आप लोगों ने भी देख लिया, मैं किसी को मुँह नहीं लगाता तो कोई मुझे भी मुँह नहीं लगाता। क्यों?
क्योंकि मैं अपना वॉक करने आया था, वॉक किया, वॉक करने के बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया और आप लोगों को पैगाम दिया। जितने मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, तो उन लोगों को मैंने सिर्फ पैगाम दिया है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।